जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्ते। आप देख रहे हैं समाधान स्टडी। ये गाइस आप सभी के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है जो आपकी प्रीवियस ईयर क्लास होती है, और इस क्लास को लेने के बाद आप में कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट तो हो ही रहा होगा। और आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई सभी लाइव क्लासेस और हमारे रिकॉर्डेड क्लासेस आपको बहुत ही बेनिफिट प्रोवाइड कर रही होगी। और आपको बता दूं गाइस, ये क्लास नंबर हमारी 10th है और आपको फर्स्ट क्लास से लेकर सभी प्रीवियस ईयर क्लास देखना है। इसके अकॉर्डिंग अपनी स्टेट जो है स्टडी को और स्ट्रॉन्ग करें आप लोग, और मुझे बताइए कि आपने इन क्वेश्चन लगाने के बाद आपने कितना मार्क्स अचीव किया है। मैं डेली आपको 15 क्वेश्चन करवाता हूँ और आप लोग आसानी से इन जो है 10 से 15 मिनट की क्लास को देखते होंगे और इसका जो है महत्व अपने लाइफ में उतारते होंगे। तो चलिएगा, अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। ओनली और ओनली यह कंटेंट स्पेशल क्लास होती है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, पूछा गया था आपको, आग की समझन क्षमता निम्न के कारण प्राप्त होती है, परमाभिकी पेशिया, या फिर आपका कार्निया, या फिर आपका नेत्र लेस्मा, या फिर रक्त परत। तो देखिएगा, अगर आप सभी विद्यार्थियों ने, आपको मैं जो है 3 से 4 सेकंड प्रोवाइड करूँगा, आप लोग इसमें अपना जो है सोचिएगा कि क्या आंसर हो सकता है बस, और मुझे अंतिम बताएगी कि आपने कितना राइट आंसर फिर किया है। देखिएगा, करेक्ट आंसर की बात कर लूँ गाइस, तो अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चूज़ किया है तो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपका परमाभिकी पेशिया इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यूरिक एसिड के संचयन के कारण जोड़ी को सूजन खालिस्तान का कारण होता है। चलिए, जो आपका जोड़े होते हैं उसमें सूजन का कारण क्यों होता है। देखिएगा, ऑप्शन फर्स्ट है आपके लिए गाठिया या संधि शोध, या फिर आपका अस्थि, आपका सुसुरिता जिसे हम लोग कहेंगे ऑस्टियोपोरोसिस, या फिर आपका गाउट, या फिर आपका टेटनी। चलेगा, बताइए। ओके, देखिएगा, आंसर अगर आपने चूज़ किया है वात रोग, मतलब आपका गाउट, इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, और सी जितने भी सोचा है, जिसने भी समझा है क्वेश्चन को, तो आप लोग सी ही प्रयास किया होगा। आगे चलते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि निम्न के द्वारा लार में टाइलिन निष्क्रिय किया जाता है। आपके पास दिया है बलगम, पीतरस, रेनिन, या फिर आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बताइए, जो स्टमक में होता है, आपका पेट से निकलता है ना। चलेगा, पित्त की बात कर लूँ मैं इस क्वेश्चन की, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होने वाला है। पित्तरल की बाइल जूस की बात कर लूँ तो यकृत से स्त्रावित होता है, और पित्ताशय में क्या होता है, यह पित्ताशय में स्टोर होता है। चलेगा, इतना आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको बताना है रेनिन का यूज़ कहाँ होता है। चलेगा, आगे बढ़ते तब तक हम लोग। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये देखिए थोड़ा छोटा कर देते हैं, क्या क्वेश्चन है कि रामू पेशी ऊतक की स्लाइडो को प्रेक्षित कर रहा था, इसने जो लक्षण देखा वह सीमित और बहुकेंद्रित था, उन्होंने किस प्रकार की पेशिया का प्रेक्षण किया, कंकाल पेशी, हृदय पेशी, चिकनी पेशी, या फिर आपका स्नायु बंद। तो अगर आप सभी विद्यार्थियों ने आंसर किया है कंकाल पेशी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका, कौन सा सर जी। चले, स्केलेटल मसल्स इसका करेक्ट आंसर है, और बाकी बहुत बढ़िया। चलेगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, निस्पंद स्टल निम्न के द्वारा बोमेन स्पुट में बनते हैं, हेनली लूप के द्वारा, या फिर आपका ग्लेमेरुल रक्त वाहिका, या फिर आपका दिया है पोडोसाइट्स, या फिर आपका दिया है तंत्रिका सिरा। तो अगर आप सभी बच्चों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, क्या, पोडोसाइट, तो पोडोसाइट आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, डायरेक्ट ट्रांसलेट करके मिला है, इसलिए आपको डिफ़िकल्ट क्वेश्चन महसूस हो रहोगे, नहीं तो बाकी जो क्वेश्चन हम लोग करते हैं क्लास में वही क्वेश्चन है। आगे चल के देखिएगा, इन्होंने कहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजिंग के बारे में सही है, मतलब वृद्धा, आपका व्योग वृद्धि के बारे में सही कौन सा है। तो धमनियों और आपका उपास्थि में कैल्शियम का मात्रा में वृद्धि,
क्रिएटिन में कमी या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, रक्त में शर्करा बढ़ती है। तो करेक्ट आंसर की बात कर लूँ मैं तो धमनियाँ और इस उपास्थि के आपका कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्या बोला है आपसे। डाउन सिंड्रोम निम्न के कारण होता है। डाउन सिंड्रोम की बात कर लूँ तो 13 गुणसूत्रों की ट्राइसोमी के द्वारा, 18 गुणसूत्रों की ट्राइसोमी के द्वारा, या फिर 16 गुणसूत्रों की ट्राइसोमी, या फिर आपका 21 गुणसूत्रों की ट्राइसोमी के द्वारा होता है। चलिएगा देखिए अगर आप सभी बच्चों का आंसर क्या आ रहा है, अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर 4 तो बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? 21 गुणसूत्रों की ट्राइसोमी इसका करेक्ट आंसर है, अगर आपका ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है तो। चलेगा नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस प्राणी को मानव जैसा पहला प्राणी, मतलब होमोनिडिस कहा जाता था, नी एडर्थ मैन, या फिर आपको होमो हैबिलिस, या फिर आपका होमोसोपियम, या फिर आपका होमो इरेक्टस। अगर आपका आंसर आ रहा है होमो हैबिल्स तो बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ठीक है गाइस, और ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो हमारी सुपर 15 क्लास में आपको जो पहले प्रोवाइड करता था, ठीक है, अभी जो है आपका एग्ज़ाम आते तक जो है इसे मैंने बंद कर दिया है। एग्ज़ाम के हम लोग जो है एग्ज़ाम के 15 दिन पहले ये क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो आपको बहुत बेनिफिट करेगी आपके रिवीजन के लिए। तो ये क्वेश्चन वही से टपका है, मतलब हमारी सभी क्लासेस आपको देखना अनिवार्य गाइस अगर आप लोग स्टडी कर रहे हैं तो। चलेगा आगे देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे। इन्होंने पूछा है निम्नलिखित में से कौन कंडरावस्थि का उदाहरण है, कान पाली मतलब ईयर लोब, या फिर आपका नी केप, या फिर आपका इन्वर्टेबल डिस्क, या फिर आपका कशेरुकाए। चलेगा करेक्ट आंसर की बात कर लूँ तो अगर आप सभी बच्चों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? नी केप इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है समझते हैं। इन्होंने आपसे पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से आपका उपाधिदार मछलियाँ, मतलब कार्टिलेजिन फिश की कौन सी विशेषता हड्डीदार मछलियाँ, मतलब बोनी फिश अनुपस्थित होती है। ठीक है, किसमें बोनी फिश अनुपस्थित होती है यह पूछा है। देखिएगा जरा युज, या फिर आपका गलफड़े, या फिर आपका सुव्यवस्थित शरीर, या फिर आपका विषमतापी। तो गाइस अगर आपने सोच लिया इस क्वेश्चन का आंसर जरा यूज होगा तो बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिएगा बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया क्या है, पढ़ते हैं इसे हम लोग। देखिएगा क्लोनिंग वेक्टर की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है, खालिस्तान एक विशेषता होती है जो आपका वृद्ध या लिंक्ड डीएनए की प्रतिलिपि संख्या को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी होती है। देखिएगा आपका फर्स्ट है ओरी, या फिर आपका क्लीनिंग साइट्स, या फिर आपका प्रोमोटर, या फिर आपका चयन करने योग्य मार्कर। चलेगा करेक्ट आंसर की बात कर लूँ तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्या आपका आंसर होगा? ओवरी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है गाइस, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, समझते हैं पहले क्वेश्चन की। विकसित देशों में की विशिष्ट जनसंख्यांकी विशेषता है उच्च प्रजनन दर, उच्च प्रति व्यक्ति आय, बेहतर जीवन स्तर, उच्च मृत्यु दर, तेज से जनसंख्या वृद्धि, बहुत कम उम्र का विवरण, कम प्रजनन दर, उच्च प्रति व्यक्ति आय, बेहतर जीवन स्तर, उच्च प्रजनन क्षमता, तेजी से गिरती मृत्यु दर और तेजी से जनसंख्या वृद्धि। करेक्ट आंसर की बात कर लूँ मैं, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर आपका होगा कम प्रजनन दर, उच्च प्रति व्यक्ति आय और बेहतर जीवन स्तर। तो ये कौन से ऑप्शन में है?
तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अगर आपने प्रयास किया है तो बिल्कुल सही प्रयास किया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मानव भ्रूण का वह हिस्सा जो आदिम आत मतलब प्रोमिटिव गट का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके लिए ब्लास्टोकोल, या फिर आपका होगा आर्किटेंड्रॉन, या फिर आपका गैस्ट्रोकोल, या फिर आपका होगा ब्लास्टोपोर। करेक्ट आंसर की बात कर ले, कितना स्टूडेंट जो है ऑप्शन नंबर सेकंड किया है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अगर आपने बी सही किया होगा तो क्या होगा आर्किटेंड्रॉन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपका ऑप्शन नंबर बी चूज़ किया आपने तो बिल्कुल सही होगा। चलेगा आगे चलते हैं, आपसे पूछा है उम्र बढ़ने के विभिन्न पहलुओं से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है। जीरोंटोलॉजी, या फिर आपका पैलेंटोलॉजी, इकोलॉजी, या फिर आपका फिजिकोलॉजी। आज मैंने जो क्लास लिया आपका इकोलॉजी वाली क्लास लिया है गाइस। चलिए जो आपको इकोलॉजी तो समझ में आ चुका कि इसका आंसर इकोलॉजी नहीं हो सकता, तो अगर आपकी बात कर लूँ तो जीरोंटोलॉजी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, उम्र बढ़ने के विभिन्न पहलुओं के संबंध में उस विज्ञान को हम लोग जीरोंटोलॉजी कहते हैं। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि शरीर में हृदय प्रणाली पर उनके प्रभाव के लिए जानी जाने वाली औषधि कौन सी है। ओपियोड्स, या फिर आपका एम्फेटेमिन, या फिर आपका केनाबिनोइड, या फिर आपका बारबिट्यूरेट्स। तो देखिएगा करेक्ट आंसर की बात कर लूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर आपका ऑप्शन नंबर सी चूज़ किया था आपने, केनाबिनोइड इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यह आपकी क्लास थी 30 क्वेश्चन, आपका 15 क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिया है मैंने। आपको कमेंट्स बॉक्स में गाइस अपना रिव्यू जरूर देना है कि आपको क्लास कैसी लगी, और अपने दोस्तों को शेयर करना है कि यह क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इन फ्यूचर आपको इस क्लास का महत्व समझ में आएगा। अगर अभी समझ में नहीं आ रहा हो गाइस, बट आगे चल के जब आपकी एग्ज़ाम आपके सर के ऊपर होगी तब आपको समझ में आएगा कि सर अभी हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना चाहिए। इसलिए मैं गाइस पहले ही मैं आपको इन्फॉर्म कर देना चाहूँ कि आप लोग पहले से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए आप लोग। मैं जो है आपके लिए इधर उधर से मैनेज कर रहा हूँ पेपर। चलिए 2020 का भी पेपर मैनेज करता हूँ कि आपको 2020 का भी मैं पेपर करवा दूँ। ठीक है गाइस, चलेगा, और आशा करता हूँ आप लोग को पसंद आएगा, तो आप लोग लाइक करेंगे, इसे शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। अभी PAT, DAHET, वेटनरी इन सभी के एग्ज़ामें होना है गाइस, तो आप लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेंड करिए। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, बहुत मायने रखते हैं। तो गाइस नेक्स्ट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली क्लास में कल मिलूँगा आपसे। जय हिंद, नमस्ते, प्रणाम।